नमस्ते दोस्तों, आपको सुपर स्पोर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट्स हम दिल्ली डायनामो एफसी से करेंगे। दिल्ली डायनामो एफसी ने एक नए प्लेयर को साइन किया है, वो प्लेयर है उलिसेस तभिला। उलिसेस तभिला एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, तो ये दिल्ली डायनामो एफसी के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। तो अभी हम आते हैं एटीके के बारे में। एटीके का फॉर्मर प्लेयर कालू उचे इस सीजन कोलकाता में नहीं खेलेगा, क्योंकि कालू उचे ने एक दूसरे टीम पर साइन किया है। मार्किया स्पोर्ट्स क्लब में कालू उचे ने साइन किया है, ये देख लीजिए। मार्किया स्पोर्ट्स क्लब में कालू उचे खेलेगा नंबर 29। अब आते हैं हम एफसी गोवा के बारे में। एफसी गोवा ने भी एक नए प्लेयर को साइन कर लिया है, वो प्लेयर है जेट क्राउच। जेट क्राउच बहुत ही अच्छे प्लेयर है, मिगुल प्लांका को रिलीज करके जेट क्राउच को लाया है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फैंस सब लोग बोल रहे थे कि निकोलस विलियस इस सीजन फिर से लौट आएगा। निकोलस विलियस इस सीजन आईएसएल में नहीं आएगा, क्योंकि निकोलस विलियस एक दूसरे टीम पर साइन कर लिया है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में निकोलस विलियस इस सीजन नहीं आएगा। और एएफसी कप टॉप स्कोर सुनील छेत्री है अभी, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा एक गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब, और उसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए।